डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक जोक बतला रहा हूँ, यह जोक जो है एलर्जिक एवं श्वास रोग का। तो बहुत से पुरुष जो हैं या महिला जो हैं उनको एलर्जिक हो जाता है, नाक से पानी के तरह स्राव होने लगता है और जब स्राव रुकता है तो उनको श्वास लेने में कष्ट हो जाता है, खांसी हो जाता है, सीने में दर्द होने लगता है। यह जो है एलर्जिक रोग जो है मौसम चेंज करने पर भी होता है, या किसी किसी को 2 महीने 3 महीने पर भी एलर्जिक रोग हो जाता है। इसी का एक औषधि मैं बतला रहा हूँ और इस औषधि को आप ध्यान से सुनकर इसको प्रयोग में लाने का आप जो है प्रयास करें। अदरक 100 ग्राम ले लीजिए, हल्दी जो है 50 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च जो है 20 दाना ले लीजिए और गुड़ जो है 1 किलो ले लीजिए। तो सर्वप्रथम जो है हल्दी को और काली मिर्च को चूर्ण बना लीजिए, एकदम में ही पाउडर की तरह। दोनों को चूर्ण बनाने के बाद अदरक को बहुत बारीकी छोटा छोटा उसको काट दीजिए और काटने के बाद गुड़ को चूर्ण बनाकर चारों को एक में मिलाकर अग्नि पर जो है उसको मंद मंद अग्नि पर उसको पकाइए और जब अवले की तरह हो जाए यानी पक जाए तो उतार कर उसको रख दीजिए और प्रातः काल 1 चम्मच उसे खाइए, दोपहर को भी 1 चम्मच खाइए और रात्रि को सोते समय 1 चम्मच खाने से 3-4 दिन में या हफ्ता दिन में एलर्जिक रोग या श्वास रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आरोग्य।